नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा पहली बार खेलो इंडिया की मेजबानी कर रहा है। ये खेलो इंडिया का चौथा ऑडिशन है। खेलो इंडिया के तहत पंचकुला, अम्बाला, शाहबाद और दिल्ली में गेम्स कराए जा रहे हैं। अम्बाला में तैराकी और जिम्नास्टिक के गेम्स हो रहे हैं। 4 से 7 जून तक जिम्नास्टिक और 8 से 11 जून तक तैराकी की प्रतियोगिताएं होंगी। जिला प्रशासन ने खिलाड़ियों के रहने खाने की अच्छी सुविधा कर रखी है, जिससे खिलाड़ी संतुष्ट हैं। DSO रामनिवास से बात की तो उन्होंने अम्बाला की जनता का इसमें बहुमूल्य सहयोग होने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज की तारीफ करते हुए कहा कि गृह मंत्री अनिल विज ने इंटरनेशनल स्विमिंग पूल बनाकर हमारा साथ दिया है। ये उत्तर भारत का सबसे सुंदर स्विमिंग पूल है। उन्होंने कहा कि बाहर से आए लोगों ने इसकी सराहना की है। उन्होंने बताया कि जिम्नास्टिक में लगभग 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 2 भाग बनाए गए हैं, एक हीरोज स्टेडियम और दूसरा सुभाष पार्क के पास बैडमिंटन हॉल। DSO ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 8 जून को तैराकी प्रतियोगिताएं शुरू हो रही हैं, जिसका शुभारंभ 4 जून को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था। इस प्रतियोगिता में लगभग 550 खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं उन्होंने हरियाणा सरकार की ओर से खिलाड़ियों के खाने और रहने के अच्छे प्रबंध किए जाने की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैंने खुद खाना खाकर चेक किया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार ने 2 एजेंसी को हायर किया हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हरियाणा की खेल नीति को सराहा और कहा है कि 0 से उठाकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाना ही सरकार की नीति रही है। उन्होंने कहा कि अच्छे कोच के लिए हमने सरकार से भी सिफारिश की है, ताकि यहाँ के खिलाड़ी देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करें। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। देखिए, ये हरियाणा में पहली बार हो रहा है और हरियाणा के अंदर 5 स्थान बनाए गए हैं जहाँ पर खेलो इंडिया हो रहा है। पहला हमारा ये अपना पंचकुला है, चंडीगढ़ है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र शाहबाद है और दिल्ली है। ये 5 स्थानों पे हमारे 25 आइटम हो रहे हैं। और ख़ासकर मैं अम्बाला की बताना चाहूँगा, यहाँ की जनता ने इसको बहुत ही उमंग उत्साह के साथ इसको आगे बढ़ाया है और लोगों का बहुत साथ मिला है। यहाँ के अपने गृह मंत्री श्री विज सिंह ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। उन्होंने एक इंटरनेशनल स्विमिंग पूल दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया जगह है। नॉर्थ इंडिया में इससे अच्छा कोई नहीं है। उसके साथ ही हमारा ये जिम्नास्टिक का हॉल है, ये भी बहुत सुंदर है और बहुत से लोग जो बाहर से आए हैं उन्होंने इसको सराहा है और हमारी प्रशंसा की है। और यहाँ के लोगों में इस खेल के प्रति बड़ा उमंग उत्साह के साथ आगे हमारे साथ आ रहे हैं। जिम्नास्टिक में लगभग 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इसके 2 भाग बनाए गए हैं। एक तो अपना मेन स्टेडियम में ही है, वार हीरोज में, एक अपने अन स्पोर्ट्स है इधर सुभाष पार्क के पास। आज वहाँ रिदमिक चल रही है, कल यहाँ पर हुआ था। कल यहाँ पर क्वालिफाई राउंड हुआ था, बेस्ट 8 लिए गए हैं। आज उनके शाम को 4 बजे फाइनल होएगा, उसमें जो भी जिसका रैंक होगा, रिजल्ट आएगा, वो शाम को पता चल जाएगा। 8 तारीख को हमारी स्विमिंग है खेलो इंडिया की और 4 तारीख को हमारे CM साहब ने बड़े अच्छे माहौल में उसका उद्घाटन किया। उसमें हमारे गृह मंत्री जी और विज साहब, MP साहब और दूसरे लोगों ने यहाँ पर ओपनिंग की। बड़ा अच्छा रहा। इसमें लगभग 550 खिलाड़ी भाग लेंगे। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के लिए खाने का बड़ा अच्छा प्रबंध किया है। मैं भी 2-3 बार चेक कर चुका हूँ। जो हमारा मेनू है ऊपर से, उसके अनुसार सभी खिलाड़ियों को खाना दिया है और अच्छा है। मैंने भी टेस्ट किया है और इसमें हमने 2 एजेंसी हरियाणा सरकार ने हायर की है, एक स्पोर्ट्स फॉर ऑल है और दूसरी थॉमस कुक है। ये दोनों एजेंसियाँ अच्छी हैं और बढ़िया काम कर रही हैं और खाना भी अच्छा दे रही हैं। सभी खिलाड़ियों को अच्छे अच्छे होटलों में रोका गया है, उनका आने जाने का, खाने का अच्छा प्रबंध है। देखिए, हरियाणा सरकार की स्पष्ट नीति है कि जो हमारा 0 लेवल है उससे उठा के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल के स्तर तक का तैयार करना है। और ये वही चीज़ है, यहाँ भी ये बना है। नॉर्थ इंडिया क्या, इंडिया में ही कह लो, इससे अच्छा कोई सुंदर नहीं है। यहाँ से 0 से बच्चे निकलेंगे, जिसको हम नर्सरी कहेंगे। और इतना बढ़िया स्विमिंग पूल, एक तो होते हैं हमारे 2-3 महीने के लिए चलती है, तो सारा साल चलेगा। प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी तो अच्छे खिलाड़ी रहेंगे, हमारे अच्छे कोच हैं,
और हमने सरकार से डिमांड भी की है, सरकार ने हाँ भी बदली है कि यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे कोच भेजे जाएंगे। इसके लिए मैं खेल मंत्री जी का बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी ये मांग मानी है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।